दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह। एक बार फिर हाजिर हूं सही सटीक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों कैल्शियम का फंडा जो समझ गया उसके लिए डेयरी आसान है, और कैल्शियम का जो रोल नहीं समझा उसका अगर उसको समझ में नहीं आया हिसाब किताब तो खेल हो जाएगा दोस्त। पशु खराब होगा, नुकसान अलग होगा। दोस्तों कैल्शियम बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तत्व, क्योंकि दूध के उत्पादन में 1 लीटर दूध के उत्पादन में 3.2 ग्राम या लगभग 3 ग्राम की आवश्यकता होती है गाय के लिए 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए, और भैंस में 4.5 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है 1 लीटर दूध उत्पादन के लिए। दोस्तों समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी क्वांटिटी हो जाती है जो एनिमल 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर दूध का उत्पादन करता है, उसकी टोटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बन जाती है। और हम भ्रमित होके मैं बोल रहा हूं, आप चले जाते हैं लिक्विड कैल्शियम पर, जो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, बहुत सारी अलग अलग कंपनियां बना रही हैं, लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया एक डोज में, जो 100 ml का उनका डोज होता है उसमें मार्केट में जो उपलब्ध है, उन कैल्शियम जो उनमें जो कंटेंट होता है वो 1.5 ग्राम से मात्र 3.5 ग्राम उनमें कैल्शियम होता है। तो मेरी हमेशा रिकमेंडेशन होती है कि आप सॉलिड कैल्शियम यूज करिए, कैल्साइट के थ्रू दीजिए, DCP डाई कैल्शियम फॉस्फेट के थ्रू दीजिए, या जो भी पाउडर फॉर्म में कैल्शियम उपलब्ध है बाजार में किसी भी कंपनी का हो उसको प्रेफर कीजिए, प्राथमिकता दीजिए। दोस्तों दूसरी बात मैं हमेशा बोलता हूं कि जनने के 15 से 20 दिन पहले आप कैल्शियम बिल्कुल बंद कर दीजिए उस पशु को, उसका बहुत बड़ा कारण है। अब लोग मुझसे फिर यही पूछते हैं कि जनने के टाइम सबसे ज्यादा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है, और आप उस जनने वाले पशु के लिए कैल्शियम मना करते हैं। दोस्तों उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है, एक वैज्ञानिक कारण है उसके पीछे, क्योंकि आप अगर ये कैल्शियम का सारा उसका रोल समझें तो ये बोन जो होती हैं, हड्डियां जो होती हैं, उनमें 99% जो कैल्शियम उनमें स्टोर होता रहता है, जो भी एक्स्ट्रा कैल्शियम जाता है डाइट में, रेगुलर डाइट के माध्यम से वो हड्डियों में जमा होता है, और जब उसको जनने के समय कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है या लैक्टेशन के टाइम उसको कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है तो वहां से वो कैल्शियम रिलीज होके ब्लड में आता है, ब्लड से वो मिल्क में आ जाता है। ये एक रूटीन प्रोसेस होती है, और अगर आप जनने के पहले 15 दिन और जनने के करीब तक आप उसको बाहर से सप्लीमेंट करते रहेंगे कैल्शियम, तो होगा ये कि इमरजेंसी में जब उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी तो वो बोन तैयार नहीं होंगी, वो जो हड्डियां हैं वो तैयार नहीं होंगी, और कैल्शियम रिलीज होगा नहीं ब्लड में, और ब्लड में जब कैल्शियम की कमी होगी तो दूध में भी कमी होगी और दूध का उत्पादन भी कम होगा, साथ में पशु को मिल्क फीवर होने के चांसेस होते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो एक्स्ट्रा कैल्शियम सप्लीमेंटेशन है वो आप जनने के 15 दिन पहले बंद कर दें, और केवल जो मिनरल मिक्सचर के माध्यम से जो कैल्शियम जा रहा है उसको जाने दें, और उसमें भी अगर आप कर सकते हैं ऐसे पशु जो जिनको मिल्क फीवर होने का खतरा होता है, हाइलिंग एनिमल है, उनका जो मिनरल मिक्सचर का जो डोज है वह भी आधा कर दें, ताकि कैल्शियम अगर कम होगा तो एक मैसेज जाएगा ब्लड के माध्यम से बोन्स में, और ये मैसेज जाएगा कि कैल्शियम की कमी है, हमें भरपाई करनी है, और जो रिजर्व होंगे, जो कैल्शियम के रिजर्व हैं, मतलब जो हड्डियां हैं, वहां से कैल्शियम रिलीज होता रहेगा, और वो 15 दिन में उसका जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है वो तैयार हो जाएगा, और जब वो जनेगा उस टाइम पे कैल्शियम की जब रिक्वायरमेंट होगी, जब मिल्क प्रोडक्शन में जाएगा तो उसके पास भरपूर कैल्शियम अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा, जो हड्डियों से चलकर दूध तक पहुंचा है या उसके ब्लड में आया है। तो दोस्तों यही रीजन होता है कि जनने के टाइम तक आप उसको कैल्शियम बंद कर दीजिए 15 दिन पहले से, और जनने के दिन आप उसको कैल्शियम प्रारंभ कर दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं कैलब जेल का उपयोग करिए, और नॉर्मल जो कैल्शियम है, जो भी आप मिनरल मिक्सचर के थ्रू दे रहे हैं, या कैल्साइड या DCP डाई कैल्शियम फॉस्फेट के माध्यम से जो कैल्शियम उसको जा रहा है उसको आप समावेश करिए, डाइट में भी कैल्शियम बढ़ा दीजिए, फिर देखिए आप दूध का उत्पादन किस तरीके से होता है, और मिल्क फीवर का भी
खतरा नहीं होगा। साथ साथ में जो 15 दिन पहले की डाइट के बारे में मैं बात कर रहा था, जनने के 15 दिन पहले आप कोई भी मीठा सोडा या बफर का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डी कैट बैलेंस जो होता है उसके कारण भी कैल्शियम बैलेंस डिस्टर्ब होता है। अगर आप मीठा सोडा या नमक भी आप बंद करिए 15 दिन पहले से, क्योंकि अगर आप नमक और मीठे सोडा का उपयोग करेंगे तो चांसेस ये रहेंगे कि डी कैट बैलेंस बिगड़ने के कारण मिल्क फीवर होने के चांसेस होंगे। तो आप याद रखिए, 15 दिन पहले से कैल्शियम बंद, नमक बंद और मीठा सोडा बंद और मिनरल मिक्सचर आधा, और साथ में आप अगर एनायनिक सॉल्ट जो होते हैं अगर वो यूज कर सकते हैं। मार्केट में एक पाउच आता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोरेट 180 ग्राम का होता है। उसको दो बार में आप 7 दिन पहले से उसको 90 ग्राम सुबह 90 ग्राम शाम इस तरीके से आप उसको दे सकते हैं ताकि और अच्छा वो डी कैट बैलेंस बन जाए और बोन्स का जो कैल्शियम है वो ब्लड में आ जाए, और ब्लड में आने के बाद जब भी उसको इमरजेंसी में आवश्यकता होगी मिल्क प्रोडक्शन के समय वो वहां से यूटिलाइज कर लेगा एनिमल। इस तरीके से आप मिल्क फीवर से भी बचाएंगे, साथ में लैक्टेशन बहुत शानदार होगा और उसकी जो जो जर अटकने की प्रॉब्लम होती है वह भी वहां नहीं होगी। तो आप ये कर सकते हैं, साथ में मैंने बताया कैलप जेल का उपयोग। तो इस तरीके से आप कैल्शियम को मैनेज करिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ में डीसीपी आप 700-800 ग्राम अपने फार्मूले में, अगर 100 किलो का आपका फार्मुलेशन है तो आप उसको 800 ग्राम तक डीसीपी भी यूज करिए ताकि फास्फोरस और कैल्शियम का बैलेंस बना रहे और उसको कैल्शियम मिल जाए। दोस्तों इसी तरीके के बहुत सारे आपको मैं तरीके बताता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि फीडिंग का कंप्लीट एक पूरा पैकेज बना दूं, एक सीरीज लेकर आप तक आऊं ताकि लोगों को किस तरीके से कौन सी स्टेज में क्या फीड देना है, कैसे फीड फार्मुलेशन करना है, क्या एनर्जी की पूर्ति कैसे करनी है, फेस फीडिंग क्या होती है और इसी तरीके के जो वीडियोस हैं वो लेकर आता रहूं। दोस्तों यूं ही साथ बने रहिए और यूं ही प्यार करते रहिए। इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।